हूँ और नर्वस भी हूँ. वो जो शीशे में देखकर मैं अपना पल्लू ठीक करती हूँ, मेरा कैरेक्टर चेंज होता है, जिसमें से एक साइको लवर का था, बेस्ट सिस्टर, सडनली आज से घटिया एक्ट्रेस. मैं इग्नोर करूँगी. मुझे ऐसा था कि मुझे एक साइको रोल प्ले करना है कि लड़की लड़के के प्यार में पागल है. कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनको मेंटल इशू है, होता है. मैं एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, बिकॉज जब आप किसी के किरदार में आते हो तो वो बहुत डिफरेंट होता है देन डूइंग योर ओन किरदार. क्योंकि अगर आप एक कहानी का एक पार्ट हो और वो किरदार आप ही प्ले कर रहे हो तो वो आपकी पहचान होती है. पर हेली ऑफकोर्स बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उस का मैंने अभी तक कोई सीन देखा नहीं है और ना मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि मैं हेली की तरह नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हेली का अपना एक तरीका है काम करने का. तो अगर मैं हेली की तरह करने जाऊँगी तो मैं ना हेली जैसा कर पाऊँगी ना खुद जैसा कर पाऊँगी. तो क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी हुई है और चेहरा बदला है, तो अब मैं अपनी, मेरे को जितनी अपनी तरफ से एक्टिंग आती है उस हिसाब से मैं करूँगी, अपनी पूरी जान डालूँगी रोल में और सोचूंगी कि एक जुनूनी लड़की जब किसी लड़के से प्यार करती है, उसके लिए वो प्यार से ज़्यादा ऑब्सेशन और जुनून है, तो वो कैसे कैसे रिएक्ट करती है, वो मैं एज पल्लवी ही करूँगी, एज कायनात. ट्रोल अभी ही मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी कि शुरू हो गया है. कल तक जब मैं नज़र कर रही थी स्टार प्लस पे, तो मैं मोनालिसा की बेटी बनी थी और अंश की बहन काजल, बहुत इनोसेंट, तब तक तो क्यूट इनोसेंट, तुमसे प्यारी क्यूट बच्ची नहीं देखी, सिस्टर, बेस्ट सिस्टर, सडनली आज से घटिया एक्ट्रेस. तो ऐसे लगता है रियली तो वो तो है, मतलब मुझे लगता है हम तो टीवी एक्टर्स हैं, वो तो क्रिकेटर्स और फिल्म एक्टर्स के साथ भी होता है. और आप राजेश खन्ना से ये नहीं कह सकते अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करो, अमिताभ बच्चन से नहीं कह सकते कि संजीव कुमार की तरह एक्टिंग करो. तो मैं एक कलाकार हूँ, भगवान ने मुझे एक्टिंग का हुनर दिया है, मैं अपनी तरफ से एक्टिंग करूँगी, किसी को पसंद आए ना आए वो मैं कुछ नहीं कर सकती. और जो आपको, जो सच में आपकी एक्टिंग को पसंद करेंगे, वो कभी ट्रोल नहीं करेंगे, कभी वो समझेंगे कि आप अपनी तरफ से पूरी, कोई बुरी एक्टिंग तो करना चाहता नहीं है. मैं रोज सुबह उठ के ये सोच के नहीं आती कि आज मैं बुरी एक्टिंग करूँगी, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ. अब मैं चाहती हूँ कि फैंस लोग पसंद करें, नहीं पसंद करते तो मैं कुछ नहीं कर सकती. एक्चुअली मुझे पता है कि इस रोल में ना, क्योंकि ये किसी और के शूज़ में मैंने स्टेप किया, मुझे एक्सेप्ट करने में लोग यही करेंगे जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग होती है, बिकॉज पीपल आर ऑलवेज कंपेयरिंग. आप कभी कोई मूवी भी देखेंगे तो हमेशा पार्ट टू को पार्ट वन से कंपेयर किया जाता है. तो मैं इग्नोर करूँगी जो लोग, और मेरे इतने प्यारे फैंस हैं ना, कुछ अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे, दे लव मी, दे लव मी एज पल्लवी, दे लव मी एज द कैरेक्टर्स आई हैव डन. एंड वो लोग समझते हैं, वो लोग अच्छी बातें भी लिखते हैं, आप जाके मेरे आई डी पे देख सकते हैं. वो लोग ये लिखते हैं कि अरे आप कायनात के रोल में आ रही हैं, हेली ने बहुत अच्छा किया, पर हमें पूरा भरोसा आप भी अच्छा करेंगी. सो जो एक्चुअल में जेन्युइन आपकी एक्टिंग के लवर्स होते हैं ना, वो कभी बुरा नहीं लिखते, और जो लिखते हैं उनको, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो सबका माइंड अलग तरीके से वर्क करता है, तो ठीक है. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे रोल मिला, क्योंकि मैं भगवान से ना ऐसे बात करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ ये रोल मुझे करना है, जिसमें से एक साइको लवर का था. मुझे ऐसा था कि मुझे एक साइको रोल प्ले करना है कि लड़की लड़के के प्यार में पागल है, और कैसा चलता होगा साइको लोगों का माइंड. तो वो मेरे को करने को मिल रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज एज अ कलाकार, एज एन एक्टर, मन करता है कभी सिस्टर का रोल करो, कभी पॉजिटिव, कभी कॉमेडी, कभी कॉमेडी नेगेटिव, कभी एकदम नेगेटिव. तो आई एम लक्की कि मैं ये कर रही हूँ. वो जो शीशे में देखकर मैं अपना पल्लू ठीक करती हूँ, चश्मा लगाती हूँ, एंड सडनली जारून आता है और मेरा कैरेक्टर चेंज होता है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी वो ऑब्सेशन वाला लव किया नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनको मेंटल इशू है, होता है, तो उन्हें पता नहीं होता कि वो नेक्स्ट मोमेंट क्या फील करेंगे. कोई भी साइको होता है, आई डोंट थिंक सो, उन्हें पता होता है कि हम ऐसे ही हैं कि अभी मुड़ेंगे तो हम स्माइल करेंगे और हम वापस अच्छे हो जाएंगे. वो बेचारे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता वो नेक्स्ट मोमेंट में क्या रिएक्ट करेंगे, वो जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे होते. तो वो करते वक्त मैं सोच रही थी, मैं कैरेक्टर में जाके सोच रही थी कि कैसे कैसे फील करते होंगे ऐसे लोग जिनको अपने ऑब्सेशन पे, अपने प्यार पे कंट्रोल नहीं, उनके लिए वो वैलिड है कि मुझे इस इंसान से प्यार है. दूसरों को वो खराब लगता है, पर उसके लिए वो एकदम वैलिड चीज़ है कि मुझे प्यार है, यही तरीके, इसी तरीके से मुझे प्यार जताना आता है, उसे और कोई तरीका पता नहीं होता. तो वो सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कैसे करता होगा कोई इंसान ऐसे, जब किसी लड़के से प्यार कर रहा हो, लड़का रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, पर आपको वो चाहिए. तो
उसके सामने आप अलग हो, अकेले में आप अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं ऐसा रोल कर पा रही हूँ. मुझे बहुत, आई एम थैंकफुल टू गॉड.